हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप की 5 टॉप नए फीचर के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो नए फीचर या बोल सकते हैं अपकमिंग फीचर है, ये अब कुछ टाइम बाद बीटा यूजर को आएंगे और उसके बाद सब नॉर्मल यूजर को मिल जाएंगे। इसमें से एक आध दो हो सकता है किसी बीटा यूजर को अभी रोल आउट होना भी चालू हो गया होगा। दोस्तों ये नए फीचर क्या है या बोल सकते हैं क्या नए अपकमिंग फीचर है, आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरो और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों यहां पर जो सबसे पहला जो बताने वाला हूं, जो फीचर बहुत ही काम का यार, बहुत जरूरी फीचर होता है। दोस्तों होता क्या है, हम कभी गलती से किसी को कोई मैसेज भेज देते हैं, उस मैसेज को भेजने के बाद हमें लगता है ये गलत मैसेज भेज दिया है, इसको भेजना नहीं था, तो हम उसको क्या करते हैं, डिलीट फॉर एवरीवन कर देते हैं। बट इससे होता क्या है, वहां पर लिखा जाता है कि ये मैसेज डिलीट फॉर एवरीवन किया गया है। सामने वाला आपसे पूछता है भाई आपने ऐसा क्या भेजा था जो कि आपने डिलीट कर दिया है। तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए एक नया फीचर अभी रोल आउट होने वाला है, जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। ये स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप बीटा वर्जन की तरफ से ही है। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा अब क्या होने वाला है। अब आप भेजे हुए मैसेज को एडिट कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे ये स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, इसमें लिखा है इन्फो, कॉपी और एडिट। अभी आपको सिर्फ दो ही ऑप्शन मिलते हैं, इन्फो और कॉपी का। अब वहां पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे आने वाले टाइम पे, वहां पर अब भेजने के बाद आप मैसेज को एडिट कर सकते हैं। आने वाले जब ये रोल आउट होगा तो पता चलेगा कितने मिनट तक आप उसको, या बोल सकते हैं कितनी देर बाद तक आप उसको एडिट कर सकते हैं और उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते। तो मतलब कि यार बहुत कमाल का फीचर है। मेरे साथ तो हमेशा होता है, मैं हमेशा किसी को कोई मैसेज भेज देता हूँ, फिर उसको डिलीट करता हूँ, फिर दोबारा भेजता हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ हो जाता है यार, कोई कुछ मिस हो जाता है। तो बहुत ही काम का ये वाला फीचर है, मुझे तो बहुत पसंद आने वाला है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला फीचर कैसा लगा। तो दोस्तों जो सेकंड फीचर है व्हाट्सएप बैकअप के लिए, उसके लिए आपको मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर अपने मोबाइल के व्हाट्सएप की सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है चैट्स में, और चैट्स में जाएंगे तो आपको वहाँ पर मिलता है चैट बैकअप का ऑप्शन। यहाँ पर आप देखेंगे अभी आपको चैट बैकअप का ऑप्शन मिलता है, और नीचे आपको मिलता है गूगल अकाउंट्स पे और गूगल सेटिंग पे, ये सिंपल सा आपको अकाउंट मिलता है। अब आपको एक नया ऑप्शन मिलने वाला है, वहां पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने बैकअप को, और उसके अंदर आप वीडियो, ऑडियो या फिर जो भी आपका इमेजेस, सबको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बाद में इजीली इंपोर्ट भी कर सकते हैं, जिसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा के यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो आप देखेंगे कैसे ये वर्क करने वाला है, ये कैसा दिखता है। आप देखेंगे गूगल जहाँ लिखा है उसके नीचे इंक्लूड वीडियो के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट बैकअप ऑल चैट एंड मीडिया लाइक फोटो वीडियो एंड फाइल विल बी इंक्लूडेड। सारी चीजें आप इसको बैकअप ले सकते हैं और इजीली कहीं भी इंपोर्ट करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि बहुत ही कमाल का ये वाला फीचर होने वाला है। आपका फोटोज वीडियो जो जो जिस चैट में होगी सब वैसी की वैसी आपको वापस वहां पर मिल जाएगी। तो ये फीचर भी बहुत कमाल का होने वाला है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड फीचर बताने वाला हूँ वो है व्हाट्सएप की चैट स्टेटस को लेके। मतलब कि कैसे, आप सोचेंगे यार ये कंफ्यूजिंग वाला फीचर है यार, ये कैसा फीचर है व्हाट्सएप चैट। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप का जो थर्ड फीचर है व्हाट्सएप चैट स्टेटस को लेके, मतलब कि कैसा है दोस्तों। अब क्या होगा, जो अपने अपकमिंग फीचर में ऐसा होगा, जब भी आप कोई, जैसे आप चैट स्क्रॉल करेंगे, अभी मैंने चैट्स कम कर रखे हैं, तो आप कोई चैट स्क्रैप करेंगे, मतलब कि अगर मान लो जैसे सनी है मेरा नाम लिखा हुआ है, अगर मैंने इस पे स्टेटस डाला होगा तो सिंपली आप यहाँ पर मेरा जो फेस है यहाँ पर आपको एक ग्रीन कलर का सर्कल मिलेगा और आप उस पर क्लिक करके मेरा स्टेटस वहां पर देख सकते हैं। ऐसे ही जिन जिन ने स्टेटस डाला होगा आप डायरेक्ट उसकी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको एक ग्रीन कलर का सर्कल सा दिखेगा, तो आप उसके थ्रू देख सकते हैं। उसके लिए भी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट लगा के यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कैसा आपको वहां पर मिलने वाला है। तो ये फीचर भी बहुत काम का है, आपको बार बार स्टेटस पेज पे जाने की जरूरत नहीं रहेगी। आपको किसी स्पेसिफिक यूजर का देखना हो तो आप सिंपली जाके उसकी प्रोफाइल में जाके आप देख सकते हैं, वो आपको दिख जाएगा। देख रहे होंगे आपको एक ग्रीन कलर का ऐसे वहां पर आइकन मिलने वाला है। तो ये फीचर भी बहुत कमाल का है दोस्तों। तो उसके बाद जो बताने वाला हूँ दोस्तों, जो फोर्थ फीचर बताने वाला हूँ वो है व्हाट्सएप पोल का। ये आपने सुना होगा बहुत टाइम से चल रहा है यार, ये कब आने वाला है ये कोई कंफर्म नहीं है, बट ये आने वाला है व्हाट्सएप पोल। इसमें क्या होने वाला है, व्हाट्सएप पोल के अंदर दोस्तों आपने देखा होगा जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे पोल करते हैं, अब यहाँ पर व्हाट्सएप पे भी आप पोल कर सकते हैं। कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ पोल मैसेज का, अब आप ग्रुप के अंदर पोल कर सकते हैं। आप अपना वहां पर ग्रुप में कोई अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर जो भी, अगर आप यूनिवर्सिटी में हो तो कोई भी, जो भी आपको कुछ पूछना हो, कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं और पोल के थ्रू आंसर ले सकते हैं, जैसा कि मैं आपको स्क्रीनशॉट करके दिखा रहा हूं। तो ऐसा आप वहां पर पोल का भी यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कमाल का फीचर है दोस्तों। बहुत जगह ये काम आने वाला है, तो ये आपके बहुत काम का आएगा।
उसके बाद दोस्तों जो लास्ट फीचर है यार, ये तो बहुत ही काम का है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप का यूज करते हैं और अगर आप उसमें एडमिन हैं या फिर अगर नॉर्मल आप व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन हैं, तो ये फीचर आपके लिए डेफिनेटली बहुत काम के आने वाला है। दोस्तों पहले क्या होता था, आप व्हाट्सएप के ग्रुप में 256 मेंबर को ही एड ऑन कर सकते थे, बट अब क्या हो गया है, आने वाले टाइम पे व्हाट्सएप बीटा वर्जन पे ये फिलहाल रोल आउट भी हो गया है फीचर को, और आने वाले टाइम पे सबको रोल आउट होने वाला है। अब वहां पर 512 मेंबर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप बीटा, और सॉरी आप 512 मेंबर्स को ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। कैसे, तो मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ अपने स्क्रीन पे और आपको बताता हूँ, क्योंकि ये वाला फीचर मेरे पास अभी आ चुका है, ये मैंने अपने आप को चूज कर लिया। यहाँ पर मैं चूज करूंगा तो आप देख रहे होंगे ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है न्यू ग्रुप वन, मतलब मैंने एक ही पर्सन को ज्वाइन करा है और मेरे पास 512 मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, मतलब कि ये फीचर मेरे पास रोल आउट हो चुका है। अब आप एक ग्रुप में 512 मेंबर्स को एड ऑन कर सकते हैं, तो ये फीचर भी बहुत कमाल का है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, अगर आपको लगता है उसमें मेरी वीडियो कुछ कमी तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों, और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे डीएम करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज यार दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले, और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन का भी बटन दबाना ना भूले, ताकि मैं जैसे ही कोई नई वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी ना भूले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों और थैंक यू।